नमस्कार, बारबटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत। कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर। राजधानी रे कोरोना परे ब्लैक फंगस विपद, पुणि चिन्हट हेले दुई नुआ आक्रांत। गतकाली भुवनेश्वर बाहरतिला प्रथम केस, संक्रमितों को सबकिछि दुई दुईटी देखा जाउथवा लक्षण। ट्विन सिटी रे कालबैशाखी तांडव, प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा रे भिजिला कटक भुवनेश्वर। विभिन्न जगार गछ भांगिबा सहित आहुरी तीन घंटा पई एक जिला अलर्ट। कटक रे काल हुई आसला कालबैशाखी, बालीसाही रे भांगिला दुई अस्थाई टेंट। प्रकृतिर तांडव परे बस्ती बासिंदाक लंकाकांड, पुलिस सीएमसी उपरे आक्रोश। बीएमसी रो ड्राइव इन अभियान, आउ तीनि स्थान रे आजिठू आरंभ वैक्सीनेशन। एपटे टीका को नहीं राजधानीवासी अभियोग आणिले प्रिया प्रीति तोषण सांघातिक अभियोग। सेपटे कटक रे आजिठू आरंभ वैक्सीनेशन। कोरोना सह बढ़ुछि क्राइम रेट, लॉकडाउन रे उपरमुहा क्राइम ग्राफ। राजधानी रे सात दिन रे 40 रु अधिक मामला, चेकिंग ब्लॉकिंग भितरे पुलिस पेट्रोलिंग को नहीं उठला प्रश्न। लॉकडाउन रे साइबर ठक जाग्रत, टीका पाई मेसेज करी युववर्गों को करुछन्ति टार्गेट। अल्प के बर्तिले पुलिस अधिकारी, सतर्क रहिबा को देले परामर्श। विपदर बंधु नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट, महामारी समय रे गरीब पेट को आहार और मागणे जोगाउछन्ति ऑक्सीजन। ट्रस्ट एभली पदक्षेप को विभिन्न महलु स्वागत। राजधानी रे पुणि नुआ दुई ब्लैक फंगस आक्रांत चिन्हट, जहाँ मिसे राज्य में ब्लैक फंगस संक्रमितों संख्या तीन रे पहुंची। भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल आक्रांतों चिकित्सा चली। गतल भुवनेश्वर प्रथम ब्लैक फंगस आक्रांत चिन्हट होते। यह रोग में मुंड बिंधा, आखि फुली अणनिश्वासी लगे, अधा मुह फुली सहित ज्वर रही। सबुठ बड़ कथा, रोगी को सबकि दुई दुईट देखा लक्षण देखा। कोरोना डर जाइनि, एबे आउ एक डर लोकों मन में घर कसलाणी, ता होछि ब्लैक फंगस। एवं खासकर भुवनेश्वर तीनिटी रोगी बा तीनिटी आक्रांत एथरे चिन्हट होइछन्ति। एवं यार लक्षण वर्तमान देखिया को मिलिछि कि मुह फुलिबा, मुंड बिंधा हबा, अधा मुह फुलिबा, ज्वर हबा, आदि सब लक्षण देखा आउछि, जहाँकि लोकों भितर एक प्रकार कुकुआ भय सृष्टि करछि। एक तो कोरोना को नहीं डर, पुणी द्वितीय ब्लैक फंगस। एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जहाँ कहते कि एभली केस बर्तमान भुवनेश्वर चिन्हट बापर चिंता बढ़ी। एवं सबुठ बड़ कथा होली लक्षण से मान क्षेत्र में देखा जाए, जो मैंने कोविड पर रोगी और खासकर डायबेटिक पेसेंट जो मैंने रही क्षेत्र में संभावना बेस अधिक रही। तेणु डायबेटिक पेसेंट मैंने किभली भाव में निजर ग्लुकोज मात्रा और सुगार मात्रा को कंट्रोल रखिए, से सब नियमित व्यवधान में ब्लड सुगार चेक कर आवश्यकता रही। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय रही। सतरूपा, गोटेपटे कोरोना डर, कोरोनार भिन्न भिन्न लक्षण एवं बारंबार जहाँ कह कोरोना तार बारंबार चेहरा भी बदलाउछि, तेणु ताको लक्षण ठाब करिबा कष्ट ही पड़छि। ता भितरे वर्तमान आहुरी चिंता बढ़ी ब्लैक फंगस। भुवनेश्वर तीनिटि केस देखा मिलने, कौन कहते स्वास्थ्य विशेषज्ञ? देखंतु नीलिमा, गत काली जेतेबेले ब्लैक फंगस जने रोगी आक्रांत होइतिले, वर्तमान से सम समर अल्टीमेट हॉस्पिटल रे से निजे चिकित्सित होउछन्ति। काली सम हॉस्पिटल पक्षर मध्ये आरो सूचना दिया जाइतिला, एवं वर्तमान स्थिति रे आउ दुई जना ब्लैक फंगस रोगी भुवनेश्वर केयर हॉस्पिटल रे चिन्हट होइछन्ति बोली केयर हॉस्पिटल रो कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। एवं देखंतु ए ब्लैक फंगस कथा जदि कहबा, गत प्रथमे यहाँ मुंबई रे यहाँ पाखापाखि 200 जण चिन्हट होइतिले, यहाँ कोनोसी भी चिन्ह वर्ण राजधानी भुवनेश्वर श्वर नाला। आ वर्तमान स्थित में गत काली ब्लैक फंगस चिन्हट होते गोटे रोगी चिन्हट होते, वर्तमान आज दुईट रोगी भुवनेश्वर केयार हस्पिटाल चिन्हट होती। तो वर्तमान तीनोटी ब्लैक फंगस रोगी राजधानी भुवनेश्वर चिकित्सित होती। तो निहाती भाव में कौटी ना कौटी जितेबाला कोरोनार भय लोकों भितर जाइना, एवं ब्लैक फंगस रोग सामना को आसी, यार लक्षण वर्तमान जहाँ वर्तमान प्राथमिक स्थित जहाँ तदंत कर डाक्तरी टीम मैंने विशेषज्ञ मैंने कहते कि जदि
जड़े रोगी जदि मधुमेह रोग से पीड़ित अच्छी बा मधुमेह रोग से पीड़ित अच्छी हार्ट किंबा डायबिटीज से खूब शीघ्र एवं खास करी कोविड संक्रमित होगा पर रोग लक्षण लोकों पाखे अधिक देखा जाए तो निहाती भाव में कौटी ना कौटी ये जो ब्लैक फंगस जो नुआ रोग आसी समस्त धीरे धीरे पुणी थे राजधानीवासी एथपाई आतंकित हो पड़े तो वर्तमान स्थित राजधानी भुवनेश्वर गत काली जो सम अल्टीमेट हॉस्पिटल चिकित्सित होती ब्लैक फंगस रोगी से स्थित वर्तमान सामान्य मात्र सुधार होती जहाँ सम हॉस्पिटल पक्षर कई से गत 20 तारीख दिन कोविड रे संक्रमित होते सुस्थ होगा पर ही से ब्लैक फंगस रोग से पीड़ित होते तो ब्लैक फंगस रोग जो रही है से डाक्टर मैंने कहते जिते बड़े आपण मैंने बाहर को जाते चप्पल व्यवहार करूँ एवं खास करे जो माने माटी रे काम करुछंती जो व्यक्ति विशेष माने माटी रे काम करुछंती सेमानको पई ए रोग खूब शीघ्र सेमानको ग्रास करि पारे तेणु करे सेई व्यक्ति विशेष माने जो माने रहिछंती जो माने माटी ऊपर काम करुछंती चास करुछंती बा अन्यर किछि केते दिन परे माने सुस्थ होबार प्राय केते दिन परे ए लक्षण देखा जिवार संभावना रहिछि डाक्टर इनि कोन कहउछंती प्राय केते दिन लागे ए लक्षणटी रोगीको भितरे देखा जिवार देखो तो प्रथम जिनस है जितेबले कोविड संक्रमण होती डायबिटीज सुगर जो मानक रोचे से मानकर देह अधिक गुरुतर रोचे स्वास्थ्य अवस्था मध्य अवनति घटू तो जो वर्तमान स्थित रे जो जो मैंने कोविड संक्रमित होती सुस्थ होबार ठीक सप्ताह रु दुई सप्ताह भितर जो मानक डायबिटीज सुगर हार्ट यू आदि रोग से पूर्व संक्रमित अच्छा यू मल्टी ऑर्गन डिजीज जो जहाँ को आम कहे जमी हार्ट डायबिटीज सुगर जो मैंने संक्रमित अच्छा से अति शीघ्र ये ब्लैक फंगस रोगटी ग्रास करुच्ची जहाँ विशेषज्ञ मैंने वर्तमान प्राथमिक तदंतर से प्राथमिक जो से गवेषणा करते वर्तमान मत दे तो गत काली जो रोगी जनक सम अल्टीमेट हॉस्पिटल प्रथम ओडिशा ब्लैक फंगस रोगी चिकित्सित होती सम हॉस्पिटल हॉस्पिटल और वर्तमान स्थित भुवनेश्वर केयर हॉस्पिटल दुई जन ब्लैक फंगस रोगी रोचे डॉक्टर डाक्टर मैंने जहाँ कहते कि पूर्वर जो मैंने कोविड रे संक्रमित होती सुस्थ हेला परे भी ए ब्लैक फंगस रोग होउची एवं खास करी जो मानकर इम्यूनिटी पावर आपण बंची जाई पारंती किंतु तथापि विपद टळे नै कारण ब्लैक फंगस रे आपण आक्रांत होबार मध्य संभावना रहिछि तेनु निश्चित भाबरे कोरोना रो सुस्थ बार बेस किछि दिन पर्यंत आपनको निज उपरे ध्यान देबाकु पड़िबो आउ जदि एही भले लक्षण आपनको भितरे अधिक मात्रा देखा जाउछि ताहाले तुरंत आपन विशेषज्ञ स्वास्थ्य विशेषज्ञ बा डाक्टरको परामर्श नियंतु धन्यवाद सतरूपा ई रेक्लाम प्रतिनिधि सतरूपा समंतराय राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी तांडव भुवनेश्वर प्रबल घड़घड़ी सहित वर्षा लागि रही से कटक सहर प्राय सब् अंचल जारी रही कालबैशाखी वर्षा तली अंचल में पा पशा सहित पवन माड़े रिंग रोड में किसी गछ भांगी सूचना मिली अपराह्न 3:30 जाए कालबैशाखी वर्षा और वज्रपात नहीं एक जिला आलर्ट करेंद्र 50-60 किलोमीटर बेगर पवन आशंका थी ऑरेंज वार्निंग जारी होती तेज 15-16 कमी पारे वर्षा बीएमसी रो ड्राइव इन अभियान आज भुवनेश्वर आउ तीनटी स्थान में ड्राइव इन वैक्सीनेशन आरंभ हो गाड़ी भितर टीका दिजार व्यवस्था कर दैनिक प्रत्येक स्थान में 45 वर्ष रु अधिक 300 लोकों टीका दिजा किंतु आज ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर में उत्तेजना देखा जाता फाटक खोला नजाक नहीं ताति लोके घंटा घंटा धरी ठिया होते वैक्सीन नपाई घर को फेरले आणिले प्रियाप्रीति तोषण सांघातिक अभियोग फाटक खोला नजिबाकु नै तातिले लोके आणिले प्रियाप्रीति तोषणर सांघातिक अभियोग कहिले चिन्हा परिचय देखि प्रथमे टीका दिया जाउछि आपण देखुथिबा ए दृश्य सिम्फोनी मलर सामाजिक दूरता सहित भ्याक्सिनेसन पाई एठी व्यवस्था करा जाइथिला हेले अभियोग किछि अलगा कथा कहुछि एमाने कहिबा अनुजाई 8:30 रे भ्याक्सिनेसन आरंभ हेबार थिला किंतु 10:00 बाजिबा जाय भी फाटक खोल नथिला तबे हा पूर्वरु किछि लोक भितर को केमिति गले एवं सेवानकु केमिति टीका दिया गला बोली प्रश्न उठछि एपरि कि चिन्हा परिचय देखि एपरि करा जैतबा मध्य एमाने अभिजोगणि छथि 8:20 रु आसीछि आइ 10:30-10:30 पर्यंत मो पर किछि इन्फॉर्मेशन नै टीका दिया हबो कि न दिया हबो केही किछि इन्फॉर्मेशन दउ नथि
खरारे ठिया हेचु केते आउ पेशेंट रहबे के कार कोन काम छाडी आस्थिबो समस्ते 45+ 45+ अछंती आउ कार कोन खरारे मुंडो बाडी जो से जी मरि जो केही इन्फॉर्मेशन दो पई नांदी मनो बीएमसी रो केही नांदी एटी हमो 8:30 रु 9:30 जो स्लॉट बुकिंग हेतिला आमे 8:30 बिफोर 8:30 एटी आसी कि रहिछ किंतु वर्तमान से कहि अनुसार भीतर चालिछ ए गेट टोटली 8:30 पर तो खोलिनी ताले भीतर चालू छी केमिति आमे तो देखिया भीतर 8:30 10:00 बजला माने 1.5 घंटा आमे पूरा खरर टिया लनु आमे बॉडी रो टेंपरेचर सेमिति 100 डिग्री हेलानी से सेमानकर नियर डियर रिलेटिव मानकु फास्ट एंटरटेन करउसंती भीतर आउ चोरा रे आमे तंगु पहुचू जे किछि न होले आमे गोड छाई रे छिडा कर लाइन ने आमे ठिया हो क्यू रे से बडे बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन कु नै प्रतिक्रिया रखि छंती से कहिछंती भुवनेश्वर रो तीनोटी जगह रे ड्राइव इन वैक्सीनेशन जारी रहिछि अति सुरुखुरु रे वैक्सीन दिया जाउछि जे मानको स्लॉट अछि से मानको वैक्सीन नेबाकु अनुमति मिलुछि तनु समस्ते निजो स्लॉट बुकिंग करी वैक्सीन नेबाकु आसीबाकु से अनुरोध करिछंती या फलरे आगुरु हेउतिबा असुविधा होहेबो नाही अनिपटे ई प्रक्रिया कु आहुरि त्वरान्वित करा जिवो बोली कहिछंती बीएमसी कमिश्नर सबुबेले आमे लोकंको अपील करूछु जे कि आपनकर टाइम स्लॉट हिसाब रे आसंतु टाइम स्लॉट हिसाब रे ही लोकंको एंट्री दिया होची आपन एठी भी देखि पारिबे कि विदाउट टाइम स्लॉट का को एंट्री दिया होनी एंड टाइम स्लॉट रे सबु एते नंबर अछंती कि इजीली मैनेजेबल अछि स्लॉट रे ही आपन ऑनलाइन बुकिंग करंतु एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम प्लीज कम सामाजिक दूरता सहित 45 वर्ष रु ऊर्ध वयसर लोके नेबे टीका एथि पई होइतिला स्वतंत्र व्यवस्था हेले एथिरे मध्य अव्यवस्थार प्रश्न उठिलाणी बीएमसी एने पदक्षेप नेबार समय आसुछि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेन्द्रों सह कविता स्वाई को रिपोर्ट अर्गस न्यूज कटक सहर से आज आरंभ है 18-44 वर्ष युवगोष्ठी को टीकाकरण सका 8:00 दिन 12:00 पर्यंत चली टीकाकरण कार्यक्रम कोविन आप्रे पंजीकरण कर स्लॉट बुकिंग कर व्यक्ति को टोकन कर टीका दि जाए आज प्रथम दिन थपटे कि टीका केन्द्र में लोकों भिड़ देखा मिली खाली इतनी नुहे दीर्घ दिन स्लॉट बुकिंग कर व्यक्ति टीका पाइव वंचित अभोग अंपटे आसंता 5-7 दिन भितर सहर से पिक्रे रक्रमण युवगोष्ठी को दिगला कोरोना विरोधी टीका राजधानी भुवनेश्वर पर कटक आरंभ है यह अभियान 18-44 वर्ष युवगोष्ठी को दिगला प्रथम डोज टीका सहर समस्त टीका केन्द्र में आरंभ अभियान सकाल 8:00 दिन 12:00 पर्यंत चलला टीकाकरण प्रति टीकाकरण केन्द्र में 200 डोज टीका देवाई लक्ष्य रखाई कोविन आप्रे पंजीकरण कर स्लॉट बुकिंग कर व्यक्ति टोकन करी टीका दिया जाए छे। प्रथम थर टीका नेबा पई अनेक युवगोष्ठी भितरे देखिवा को मिलिथिला उत्साह किछि टीका केन्द्र रे अव्यवस्था मध्य देखिवा को मिलिथिला खाली सेति कि नुहे दीर्घ दिन स्लॉट बुकिंग करितबा व्यक्ति टीका पाइबारु वंचित होइछंती बोली मध्य अभिजोग करिछंती दीर्घ 5 दिन हला मु ट्राई करथली किंतु मु बुक करि पार नथली 5 मिनिट पर स्लॉट बुक हे जाउतला किंतु गत लाइक आसन लाइक राती रे गत काली मु बुक करथली जते बेले कि 200 टा सीट देखौतला मु बुक सरु सरु सते बेले देखौ छी 23 टा स्लॉट अछि माने केते स्पीड रे होछ अपन भवंतो भल लागिला आज आसि कि मु दे देली एकली आईडिया आसी छी किंतु वर्तमान तांका लैपटॉप रे देखौ नै जा फलरे आमे आसी पूरा फैमिली वर्तमान फेरी कि जाउछ तो ए सिस्टम रो उपकरण माने किमिति कोन करा छी कोविशील्ड मु नीचे नबा पई 40 इयर्स अछि तो हमरो 18-44 थिला तो आमे तीनि थरा कैंसलेशन परे आज आसिला कन्फर्मेशन तो आम तीन थर आस फेर आज चतुर्थ थर आम आसला बर्तमान लैपटॉप रे देखो तो होल फैमिली बर्तन आम आसलू पूरा परिवार बर्तन फेरिक सेपटे आज सकाळु टीका केन्द्र में लगी लोकों भिड़ टीका केन्द्र सड़क पर्यंत लगुला लंबा लाइन हो हला और पाटितुंड पर किसी समय पर बंद हो जाता टीकाकरण यह एड़ाई विभिन्न प्रकार व्यवस्था कर समय निर्धारण करीकाकरण कर प्रथम दिन थी भिड़ था सेथिपाई जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम रे वरिष्ठ नागरिकों को द्वितीय डोज टीका दिजार व्यवस्था गतकाली लागू हो तेबे आसंता काली टीकाकरण केन्द्र में स्वाभाविक भाव टीकाकरण चलो बोली नोडल ऑफिसर कहते आमर एटा काली जो स्लॉट बुकिंग होता 6:00 to 10:00 भितर स्लॉट बुकिंग होगा आज पूरा सिस्टमेटिक सब चली जो मैंने स्लॉट रे बुक करके आने जन जन आम टाइम दे 8:00 to 9:00 भितर आसा 9:00 to 10:00 भितर
ସେମିତି 12 ଯାଏଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ନେବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ମୁଥଲି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ 45 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ସ ଅନୁସାରେ 8-12 ଭିତରେ କେଉଁଠି 200 କେଉଁଠି 100 ଏମିତି ଦିଆହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହାରର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ପିକ୍କୁ ଯିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଲକଡାଉନରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093028100। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପୋଲିସ। ଲକଡାଉନରେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ସାଇବର ଠକ, ଏଥିରୁ ଟିକା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଗୁଣପୁରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲକଡାଉନରେ ଉପର ମୁହାଁ କ୍ରାଇମ ଗ୍ରାଫ, ରାଜଧାନୀରେ 7 ଦିନରେ 40 ଅଧିକ ମାମଲା, ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ତାଲାବନ୍ଦରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅପରାଧୀ, ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 40 ଅଧିକ ମାମଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନ, ଫୋନ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖାସ କରି ଘରୋଇ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍। ଯେଉଁ FIR ଆମର ଅଛି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଡାଏଲ 100ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଥାନା ISIଙ୍କ COG ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଥାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। 20 ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଖାପାଖି FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଥାନାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, 20 ଅଫିସର ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦରେ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିକି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କପି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛୁ। ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ଥିବା ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 2,328 ମାମଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ସର୍ବାଧିକ 209 ଓ ମହିଳା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 38 କେସ୍। ସେହିପରି 2020ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ 6,922 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 40 ହତ୍ୟା, 32 ଡକାୟତି, 440 ଠକେଇ, 68 ଦଙ୍ଗା ଜନିତ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହା ସହ 106 ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ 3,460 ମାରପିଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ କ୍ରାଇମ ରେଟ୍ ଥିଲା ଉପରମୁହା, 22 ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 8,229 ମାମଲା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଲକଡାଉନରେ କ୍ରାଇମ ଗ୍ରାଫ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲା ଟେନସନ, ଏଥର ଲକଡାଉନରେ କ୍ରାଇମ ଗ୍ରାଫକୁ ତଳମୁହା କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ 40 ଅଧିକ ମାମଲା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା କ୍ରାଇମ ଗ୍ରାଫର ରେକର୍ଡ ଏଥରର ରେକର୍ଡ ସବୁକୁ ପାର କରିବ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା। ସବୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଲକଡାଉନରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରାଇମ, ଅପରାଧ ଗ୍ରାଫକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଏଥର ଲକଡାଉନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୋଲିସ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧରେ ପଡ଼ୁନି ତାଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଲକଡାଉନରେ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ 40 ଅଧିକ ମାମଲା, ସବୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜୟଦେବ ବିହାର ପଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଲାହିଟ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ଏକ ବାଇକ୍କୁ ପିଟିବା ପରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଗବତ ସନ୍ଧାନ କଲୋନୀର ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 7 କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ 10 ମାସ ହେଲା ଶେଷ ହେଉନି କାମ, ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ସୁରେଶ କାମ କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଧୀମା କାମ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଫଳରେ କଲୋନୀକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ BMC କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय। सतरूपा कौन घटी जे स्वेरेज कम अधारे अटकी जो रास्ता मानते ठीक से ना लोके बीएमसी कमिशनर को मत अपिल करीघ्र पदक्षेप नियाजाऊ कौ स्थान घटना कौन असुविधा हो स्थानीय बासिंदा से देखंतु निलिमा आम भुवनेश्वर भागवत संधान कॉलोनी रे अछु एठे 10 मास हला स्वरेज काम चली जो 10 मास स्वरेज काम जो चली मात्र 20 मीटर रो स्वरेज रो काम चली जो प्रत्येक आज को 10 मास हो गला लोके 7 किलोमीटर बुलुचंती। मु कैमरा पर्सन हेमंत को कहबे सीधासळक चित्र देखेबे किभळी भाबरे काम चली आज आज चित्र जदि कहबा सामान्य वर्षा मात्र किछि मिलीमीटर वर्षा होता बेले संपूर्ण रास्ताटी भांगी दिया जाइछि। जेते बेले नाळ करा जाउछि बा स्वरेज करा जाउछि गोटे साइड रे स्वरेज करा जाय कि अन्य अन्य पाखटी लोक मानक पई छडा जाउछि कारण सेही रास्ता देके लोके जिबा आसीबा करिवे। किंतु वर्तमान रो स्थिति आपण देखंतु पूर्वरु सेमाने 7 किलोमीटर बुलुथिले एबे आउ केते किलोमीटर बुलिबे ताहर हिसाब निकास कहा पाखरे नाही। जेई मध्य घटनास्थल रे पहुंचीतिले तांकु पचारिबारु सिए कहितिले या मोर काम नुहे आहुरी 2 वर्ष लागि पारे काम। तो एठी निहाती भाव रे प्रश्न उठुची एते वर्ष धरि कि काहे कि काम होची लोके काहे कि हंतसंत होचंती एवं आजिर चित्र गोटिए गाडी जेतेबेले एपटु जाउथला सीधासळक भाव रे गाडी टी एई नाळ भितरे गडी जाइथला एवं पाखापाखी के पाखापाखी अनेक पैसा खर्च करी लोके गाडी सजेते आम सहित अंचल बासिंदा मध्ये अछंती भागवत संधान कोनी रो लोके मध्ये अछंती सीधासळक आलोचना करबा। सर आज घटनाटी कोन घटीतिला ना आज्ञा एपटे तो बिल्कुल बाट ना बिल्कुल एंड ता भितर देखापी गले जमा 200 मीटर बाट को से लगे 10 मास उपरे प्रथम फ्रंट लाइन एंड बैक लाइन दुईटा सारा बंद कर दुईटा सारा बंद कर देने लोक जी बाट रखे इवेन आंबुलांस जी रास्ता नहीं आंबुलांस फायर गाड़ी कौन से जगह रास्ता ना और 200 मीटर पर लोक 7 किलोमीटर हाईटेक सब बुलिक आसुच्च इवेन ताद कमिशनर को दुई थर मेसेज भी करी आज्ञा रास्तार विथ फोटो सह तापर भी किसी एक्शन होना आज्ञा तो एमती बीएमसी अवस्था चली कथा सुन सब मिली भागत एटी सर आज घटनास्थल जेई पहुँची जेई कौन प्रतिश्रुति पुणी थे दे कि फेरी कह आर्ष लगे आम किसी कहीपरुनि बर्तमान से कहीं शुणुना ये जहाँ चली सबुआड़े नाकाबंदी होती समस्ते बर्तमान जलबंदी आगू आहरी परिस्थिति भयावह हम बर्तमान किसी कहीहबनी कौन हम आम मानते बर्तमान जदि किसी कार देह खराब हम सी भी मेडिकल जापर जो भाया सिचुएसन है एपाखे आज ये रास्ता है सी भांगिगला सेपाखे बंद से चारिड़े नाकाबंदी करदे ये कि कम कर कौन कर भगवान जानते निहाती भाव में देखुले नीलिमा कौन कम करा भगवान भरोसा बोली अंचल बासिंदा कहते सीधा सड़क चित्र मुझे पुणी थे कैमरा पर्सन हेमंत को कह देखापी ये हूँ राजधानी भुवनेश्वर चित्र जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोके रुंती और स्मार्ट रास्ता होता है ये हूँ से स्मार्ट रास्तार स्मार्ट चित्र देखो किभली भाव में लोके हंतसंत हो पाखापाखी 10 मास हो गला रास्ता कम होस्ता कम होवरेज कम हो चित्र देखने ही बयान करेंगे कि भाव में कम होम सहित तो आहरी किसी अंचल बासिंदा अच्छा सीधा सड़क पचारा सर जिते बड़े जीवा आसवा अंचल होता है जिते बड़े लोके रही था महिला मान देह खराब कहतु बर्तमान स्थिति संगीन अच्छी तो कमी कौन जीवा आसवा करती आसवाई बाट ना ओनली से बैक एंड एटु बोधे 500 मीटर बाइक रे बोई के नेला पर सिटी बोधे आंबुलांस छिड़ा हो तो तापर जिबे आमर सिस्टम एटी लोक सब जल माने पूरा बंदी हो कि रही जेई पाखे खबर नहीं डिपार्टमेंट वाला लोक आसबे डिपार्टमेंट वाला लोक से आसिल आमको देखला बेलू से पछे पछे रास्तार से पलाऊँच क्या पाखे आर हिसाब ना सर जिते बड़े बर्तमान कोविड स्थिति भी रही जड़े लोक जदि एम्बुलांस दरकार हुए एम्बुलांस कौ जगह रोचे कौ बाटे जाऊँगी एटी तो गोटे गाड़ी जावाई भी रास्ता नहीं गोटे बैक जावाई भी रास्ता नहीं आउ यो रास्ता करते स्वरेजर सैट रास्ता ता संपूर्ण भाव में आज भुशुड़ी जाए लोक निश्चय भाव में सीटा असुविधार सम्मुखीन हे आंबुलांस आसे निश्चय आम हिसाब से बोधे 700-800 मीटर उपर जो जीजीपी कैनाल रोड में ढड़ा है जैक आंबुलांस नहींकबे एंड एटा प्राय पाखापाखि 10 मास हो गल कंटिन्यूसली एंड गोटे सामनापटे काम बंद कर दूसरी रास्ता खोलिक रखिदे पछपटे भी खोलिक रखिदे तो लोक जी तो कुआ जी पूरा एकदम पूरा बंदी होने रही जाऊँच निहाती भाव में देखुले नीलिमा ये कौन से गाँव चित्र नुहे ये राजधानी भुवनेश्वर चित्र ये लोके बर्षा रास्ता धसी जाइए
राजधानी भुवनेश्वर दृश्य सेपटे आज कालबैशाखी जो हिसाब से तांडव रचिता धन्यवाद सत्रुपा एवं सीधा सड़क जावा कटक कारण कालबैशाखी में बालीसाही जो भाव में दृश्य देखा मिलता अस्थायी टेन्ट में जो भाई भाव में लोक मैंने हंतसंत होती कारण पवन सबकि छारखार करदे जहाँ असंतोष देखा मिलता पुलिस फोर्स मुतयन होता तो सेठी केमी रही परिस्थिति संपर्क में अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि इम्रान खान इम्रान लोके निज जिद्र अड़ी रखे प्रथम थैथान तापर जाए जो प्रकार आलोचना तो बर्तमान से थैथान करा कि कारण अलरेडी संध्या नई गला जेहेतु कालबैशाखी केत वर्षा पुणि थर हो तार कहीपारे तेणु थैथान से करा कि स्थिति नियंत्रण को आसला कि इम्रान देखते जानवा आपे आज जेहतु कटक नुआपड़ा नुआ साहि जो बस्ती बासिंदा को लेकिन सेठी थैथान कर अस्थायी भाव में क्यांप बढ़ी कर घर को रखा जाता है कालबैशाखी वर्षा व कालबैशाखी तांडव घर द्वार जेहतु भांगी जाइए और सेमितर कि आहत होता उत्तेजना प्रकाश पाला बर्तमान से स्थायी समाधान पर राजरास्ता को बर्तमान ओह्लैं मुझे दृश्य बर्तमान देखी जेहतु से किसी दूर से बर्तमान अच्छा से गोटे जिद रही से स्थायी भाव में समाधान करपर भाव में से जो घर तक आज भांगी जाती कालबैशाखी वर्षार और झड़ तोफान तो किपर भाव से स्थायी समाधान करवस्था किसी करतीमान दाबी करतमान से राजरास्ता को ओह्लैं सीधा सड़क नुआ साहि से जिलापा कार्यालय अभिमुखे आसान सहित पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वास अच्छा किसी राजनेता अच्छा जो भाई भाव में जो जिद रही जिद्रे बर्तमान अटल रही स्थायी समाधान कर जो कटक विकासमूलक कार्यपाई जितकी जगार बस्ती बासी रोते जो मैंने बेदखल जबरदखल कर उच्छेद कर अन्यत्र स्थान को स्थानांतर कर स्थायी कैंप कर थैथान कर जेहेतु विभिन्न समय वर्षा पवन है कालबैशाखी प्रभाव में जितकी वर्षा पवन हो समय से घर द्वार भांगी जाऊँगी वर्षा पा है वर्षा मात्रे से घर अश्राए पा बसी जाऊँगी और से विभिन्न समस्या विभिन्न समय सम्मुखीन होता जहाँ को लेकिन विभिन्न समय दाबी करू से दाबी से पूर्ण हो पारे आज कि जिते विपद आसे मैंने एमती कालबैशाखी हो वर्षा हो लोक मैंने बेस हईराण होती बस्ती बासिंदा जहाँ को नहीं बर्तमान राजरास्ता को लेते रास्ता अवरोध करेंगे चेतावनी देते प्रथम थैथान कराऊर व्यवस्था करवार व्यवस्था करापर प्रशासन जहाँ पदक्षेप नवार अच्छे से देखते लोक मैंने किभ उत्त्यक्त हो रही कारण पूर्व बेस लोक भितर क्षोभ प्रकाश पाई पुलिस फोर्स भी मुतयन कराई वर्तमान से राजरास्ता को ओल्लैंट धन्यवाद इम्रान रेखलाम प्रतिनिधि इम्रान खान समय जाइए बुलेटिन को रखा नमस्कार।